Hi guys, welcome back to our channel from my diaries. So अभी सुबह सुबह है तो नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ. एक्चुअली अभी माँ से घर पे बात हुआ तो वो लोग इडली सांभर चटनी खा रहे थे तो मेरा भी मन कर गया, नहीं तो मैं कुछ और बनाने वाली थी. सो उसी के लिए जस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ. तो ये है ओट्स, इसको बस ड्राई रोस्ट कर लूँगी. मैं बनाऊँगी ओट्स का डोसा और इधर बन रही है मेरी सांभर. तो फटाफट इसको पहले हल्का सा रोस्ट करके इसको पीस लेंगे. इसमें चावल आटे का पाउडर मिलाऊंगी और थोड़ा सा सूजी. चलिए दिखाते हैं. सो गाइस, अभी इसका मैं पाउडर बना लूंगी, पीस लूंगी. और ये है चावल का आटा और ये है सूजी. और इधर बनेगी नारियल की चटनी. एक्चुअली सिर्फ नारियल की चटनी को पसंद नहीं है, मैं मूंगफली भी डालती हूँ और अच्छा लगता है. दोनों साथ में मिला के बहुत टेस्टी लगता है. तो जो ऐसा नहीं खाते वो एक बार ट्राई करेगा, बहुत अच्छा लगता है. तो इसको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी. तो भाई इधर मैं सांभर बनाने लगी थी, उसके इधर दाल पहले पक गया, पका लेती हूँ. उसके बाद मैं फिर सांभर मसाला वगैरह डाल के बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है. और फिर इधर मेरी चटनी भी बन गई थी तो उसको लास्ट में तड़का मारना था. और ये देखिए बाद में थोड़ा पानी डाल देते हैं क्योंकि सांभर थोड़ा पतला होता है ना, तो गाढ़ा तो अच्छा नहीं लगता. और ये है मेरी मूंगफली और नारियल की चटनी. और कॉम्बिनेशन मस्त होता है, प्रोसेस पूरा वही रहता है जो नारियल का रहता है. बस मैं उसमें अलग से मूंगफली ऐड कर देती हूँ क्योंकि विक्रम जी को यही वाली पसंद है. और इसके बाद जो डोसा के लिए मैंने प्याज काट लिया है, ये है काली मिर्च और ये है ग्रीन चिली, वो है चॉप्ड धनिया और करी पत्ता और जीरा और ये है चॉप्ड अदरक. तो ये सारा मैं डोसे में डालूँगी. तो ये है पाउडर बना लिया था मैंने ओट्स का और उसमें राइस फ्लोर और ये है सूजी. तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे, रनिंग रहे. जैसा डोसे का बैटर होता है वैसा नहीं होगा, ये थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी रहेगा इसका. तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए. और सारी सामग्री जो भी मैंने काट के रखी थी सब मिला लेंगे. देखिए और मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा. और अच्छे से सब मिला देंगे. और हाँ, जब इसको मिला के इसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि फिर इसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे. नमक भी डाल दें, नमक जिसको जितना खाना उस हिसाब से अपना डाल ले स्वाद अनुसार. तो गाइस रेडी हमारा नाश्ता, तो चलिए सर्व करते हैं और जानते हैं इनकी राय. अरे वेट, वे सांभर. हाँ सांभर रख दो. सही हाँ, ये लो बिहान पहले बोल रहा खाने से. लो खाओ, देखो कैसा है. स्वाद लिए पहले ही में आप बताएं. प्लेन डोसा ये हेल्दी है, ओट्स डोसा है. सांभर टेस्ट किया गया. सांभर सही है, वही हल्का तीखा बन गया जो तुम बोल रहे हो मसाले की वजह से. स्पाइसी मसाला था यार, ध्यान ही नहीं दिया ना मैंने. मिर्ची भी डाल दिया, इसमें भी मसाला था मिर्ची वाला. मतलब फिर भी चलेगा, राइस से सही रहेगा.
चटनी भी अच्छा है। मूंगफली डाला है आपकी वजह से, मूंगफली वाली चटनी अच्छी लगती है। ठीक है चलिए मैं जा रही हूँ और बना के लाती हूँ। सो गाइस माय टाइम, सो बस वही चाय। हाय गाइस, तो अभी हो गया है शाम। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इनके पास अभी इनका सिर्फ एक ही चश्मा है जो कि अभी थोड़ा टूट गया है, टूट सा गया, मतलब बस काम चलाऊ है और इनका बिना चश्मे के नहीं चल सकता क्योंकि काम भी करना है और पावर थोड़ा ज़्यादा है। सो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं लेंस कार्ड ताकि ले लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, अदरवाइज विहान ना ऐसा तुम खींच लेता है। तो इसका जो फ्रेम है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअली ये डेली यूज़ के लिए नहीं बनाया था, एक जो था डेली यूज़ के लिए थोड़ा स्ट्रांग वाला वो ऑलरेडी विहान तोड़ चुका है। तो इसी के लिए जा रहे हैं, देखते हैं ले लेते हैं वरना इनको प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर नहीं रहा तो फिर काम करने में दिक्कत आ जाएगा। तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। बीहू, अरे गई है तीती, गई ऑलरेडी, तीती जा चुकी है। आओ आओ, सूज पहनो अपना, आ जाओ। वही पे है, दो दो कॉम्ब है, एक तो देखिए चेयर के नीचे गिरा वाला लग रहा है, विहान फेंका है। बीहू आइए, भाभी वो आपकी भाभी नहीं है, वो मेरी भाभी है। आपकी क्या है? हाँ आपकी आई जी है। हाँ मेरी क्या है? भाभी भाभी भाभी। चलो चलो, अरे वो आप स्क्रीन पे आ रहे, चलो चलो जल्दी रेडी हो जाते हैं। इसका पूरे टाइम ये सब चलता रहता है, तो चलिए चलते हैं। आपका बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है अभी आपकी उम्र नहीं है, रख दीजिए। ओके गाइस, सो अभी हम लोग का हो गया है, भाभी ने भी ले लिया है, विक्रम जी ने भी ले लिया है, तो कुछ दिन लगेगा अभी आने में, तो चलिए चलते हैं कुल्फी खाने। आपको नहीं मिलेगा? नो 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 नो, व्यू लो इसी इस ये डंडी वाले में कोई और है क्या? तो पकड़ के यही चाहिए। सुनी जा रही घर आ गए हैं और रास्ते में से मैंने आम और पुदीना ले लिया है, इसका बनाएंगे आम पन्ना। आम पन्ना तो क्या मस्त लगता है यार गर्मियों में। सो गाइज, अभी बस वही जो पुदीने का पत्ता लेकर के आए थे ना, तो इसको सब डंठल और पत्ता अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि इसको स्टोर करने में आराम रहे और लंबा चलता भी है। तो मैं कर रही हूँ और व्यू को एक एक डंठल दे रही हूँ, वो जाकर डस्टबिन में डाल के आ रहा है। इससे क्या है कि वो एंगेज भी है और मेरा काम भी हो जा रहा है और वो इंजॉय भी कर रहा है। सो अच्छा आइडिया है बच्चे को बिजी रखने का। थैंक यू। आ गया व्यू आपका खीरा। सो गाइस, आज डिनर में है कढ़ी के पकौड़े, कढ़ी पकौड़े, कढ़ी और पकौड़े, सॉरी कढ़ी प्याज कढ़ी, कढ़ी पकौड़ा, ठीक है हो गया जो भी। और राइस, चलिए आइए जल्दी जल्दी खाते, बहुत भूख लग गया यार। गाइस, जो मैंने सब निकाला था ना पुदीने का पत्ता, तो उसको मैं रख के ऐसे फ्रिज में डाल दूंगी ताकि ये फ्रेश ही रहे।
तो आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।